सावन यानी श्रावण का महीना आरंभ होने जा रहा है। सावन के महीने का शिव भक्तों को इंतजार रहता है। पंचांग के अनुसार 25 जुलाई 2021 रविवार से श्रावण यानी सावन मास आरंभ हो रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में आषाढ़ का महीना चल रहा है, जिसे चौथा महीना भी कहा जाता है। आषाढ़ का महीना पंचांग के अनुसार 24 जुलाई शनिवार को समाप्त होने जा रहा है। पूर्णिमा की तिथि को आषाढ़ मास का समापन होगा। इस दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व भी है। हिंदू धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गुरुजनों की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार 25 जुलाई रविवार से श्रावण मास यानी सावन का महीना शुरू होगा। इस दिन श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि है। इसके अगले दिन यानी 26 जुलाई 2021 को सावन का पहला सोमवार है। श्रावण मास को हिंदू कैलेंडर के अनुसार पांचवा महीना माना गया है। श्रावण मास का अंतिम सोमवार 16 अगस्त को है। तो आइए जानते हैं सावन मास का महत्व। शास्त्रों में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र महीना बताया गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। ये संपूर्ण मास भगवान शिव को समर्पित है। सावन मास के प्रत्येक सोमवार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। सावन में भगवान शिव अपने भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करते हैं, इसीलिए सावन के महीने को पूजा पाठ के लिए उत्तम मास माना गया है। पहला सावन सोमवार का व्रत 26 जुलाई 2021, दूसरा सावन सोमवार का व्रत 2 अगस्त 2021, तीसरा सावन सोमवार व्रत 9 अगस्त 2021 एवं चौथा सावन सोमवार व्रत 16 अगस्त 2021 को है। वैसे तो पूरा श्रावण मास ही भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए अत्यंत शुभ है, लेकिन श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार को अत्यंत मंगलकारी माना गया है। गौरतलब है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है। तो आइए जानते हैं कि इस साल 29 दिनी सावन माह में शिव कृपा दिलाने वाले सोमवार व्रत को कब और कैसे करें। श्रावण मास के सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन साधना करने वाले साधक पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। तो आइए जानते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले श्रावण सोमवार व्रत का महत्व और विधि। भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाने वाले सोमवार व्रत को आप आने वाले श्रावण अथवा कार्तिक, चैत्र, माघ शीर्ष, वैशाख आदि मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। शिव कृपा दिलाने वाले इस व्रत को प्रारंभ करने के बाद कम से कम 16 सोमवार जरूर करने चाहिए। हालांकि बहुत जगह सावन के पहले सोमवार से भी इस पावन व्रत को प्रारंभ करने की परंपरा है, इसलिए यदि आप चाहें तो आप अपने गुरु की आज्ञा लेकर इस व्रत को श्रावण मास के पहले सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं। सोमवार के दिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले पानी में काला तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पवित्र मन से भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोमवार व्रत का संकल्प लें। फिर शिवलिंग की सफेद फूल, सफेद चंदन, पंचामृत, चावल, सुपारी, बेलपत्र आदि से पूजा करें। पूजा के दौरान ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र लगातार जाप करते रहें। शिव के मंत्र का जप हमेशा रुद्राक्ष की माला से करें। सोमवार के व्रत का उद्यापन श्रावण, वैशाख, कार्तिक, चैत्र एवं माघ शीर्ष आदि मासों में ही करना चाहिए। श्रावण के सोमवार में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि ये नियम बीमार व्यक्तियों पर नहीं लागू होता है। तो मित्रों, सावन सोमवार में भोलेनाथ का आशीर्वाद लें, भगवान की पूजा करें।